बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सबर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का कि मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम मज़े में हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ और फिट फाट हूँ। और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा खुश खुर्रम रखे, बुरी घड़ी बुरे लोगों की निगाहों से हंसी तो कहसत से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो ब्लॉग शुरू होता है आज का, ये शुरू होता है, ये ब्लॉग, ये जो क्लिप है ना, ये क्लिप है, एक मिनट, सैटरडे नाइट का जब मैं पापा के घर गई थी रात को, बस ऐसी आउटिंग पे निकले थे। तो मेरे हस्बैंड मुझे मेरा माइंड फ्रेश करने के लिए ले गए थे पापा के घर पे, और वहाँ पे बस हम लोग आधा घंटे ही बैठे थे कि बस फिर वहाँ से हम लोग निकले, तो बारिश हो गई थी रास्ते में। और फिर घर आके अनुषा ने लगाई थी मेरे मेहंदी, क्योंकि आप लोगों को पता है अनुषा को मेहंदी लगाना बहुत अच्छी सी आती है, और अनुषा यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मेरे मेहंदी लगा रही थी। और आप लोगों को मेहंदी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली ये मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, अनुषा ने मेरे मेहंदी इसलिए भी लगाई थी क्योंकि मैंने ईद पे मेहंदी नहीं लगवाई थी, तो इस वजह से अनुषा को शौक हो रहा था कि मम्मा मैं आपकी मेहंदी लगा देती हूँ। तो फिलहाल अनुषा यहाँ पे मेरे मेहंदी लगा रही हैं, और मैं जो हूँ आराम से वीडियो भी बना रही थी और साथ में आराम भी कर रही थी, क्योंकि पापा के घर से आए थे रात को, बारिश हो रही थी, लाइट गई हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग जो है आराम फरमा रहे थे। तो आप लोगों को मेहंदी कैसी लग रही है और वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे क्लिप शुरू होता है ये मंडे की सुबह का, और मंडे की सुबह जैसे कि आज का दिन, और मैं क्या बना रही थी, मैं बना रही थी हरी मिर्च कीमा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोज़ की टेंशन होती है हम हाउस वाइफ की कि खाने में क्या बनाएँ, तो आज मैंने सोचा कि हरी मिर्च कीमा बनाती हूँ। तो कीमे की रेसिपी बहुत शॉर्टकट से जल्दी से आप लोगों को दे देती हूँ कि एक किलो कीमे की रेसिपी दे रही हूँ। एक किलो कीमे की रेसिपी के लिए मैंने ये तीन डूंगियाँ जो है ऑयल की ली थी, आप लोग अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और मेरे पास ये जो प्याज है, ये तीन डली प्याज थी मीडियम साइज़ की, साथ में चाय भी इंजॉय होती जा रही थी। तो चले भाई कीमे की तरफ आ जाते हैं। एक किलो कीमा है, प्याज को मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिया है ऑयल डाल के, और मसालों में है एक चाय का चम्मच काली मिर्च, 10-15 काली मिर्चें, आधी चाय की चम्मच हल्दी, दो खाने के चम्मच भुना कुटा धनिया, नमक और दखनी मिर्चें थी एक खाने का चम्मच, अदरक लहसुन था 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें और हरा धनिया फॉर गार्निशिंग के लिए था। तो जैसे जैसे कि रेसिपी बनती जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे गाइड करती जाऊंगी। तो प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रही थी, और गैस हमारे यहाँ बहुत कम आ रही थी, इतने कम गैस पे जल्दी जल्दी खाना बनाना जो है ना मेरे लिए एक टास्क था। अच्छा, इस कीमे की रेसिपी मैं आप लोगों को इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो पर्सनली मुझसे पूछ रहे हैं कि हरी मिर्च कीमे की रेसिपी दें। मेरी छोटी बहन ने मुझसे इसकी रेसिपी मालूम करी, मेरे बच्चों की जो लवली आंटी हैं उन्होंने मुझसे इसकी रेसिपी मालूम करी, और मेरे पापा को ये पर्सनली बहुत पसंद है ये कीमा, और मेरे जो हस्बैंड हैं उनके पार्टनर को बहुत पसंद है मेरे हाथ का कीमा। तो भाई फिर मैंने कहा सबको एक साथ ही रेसिपी दे दूँ ताकि आप लोग भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें और मुझे भी बताएं कि कीमा कैसा बनाए। तो भाई प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने डाल दिया था इसमें अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने भूना थोड़ा बहुत कीमा क्योंकि गैस बहुत कम आ रही थी, और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए मसाले, और मसाले डाल के मैं जल्दी जल्दी से इसको कुक कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे थोड़ी देर में खाना लेने के लिए। तो जैसे कि हम हाउस वाइफ का यही है कि बस खाना भी जल्दी जल्दी पकता रहे और हम अपने घर के काम भी बाकी करते रहे, तो बस कोशिश ये है कि मेरा कीमा झटपट सा जल्दी से पक के तैयार हो जाए। तो यहाँ मैंने कीमे को 20 मिनट के लिए दम पे रख दिया था हल्की आंच पे, और हल्की आंच पे रखने के बाद जब मैंने 20-25 मिनट बाद ढकना हटाया तो कीमे की कुछ इस तरीके से शक्ल थी, और इसको फिर मैंने और हल्का सा भूना। हल्का सा भूनने के बाद गैस अभी भी बहुत कम आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल ज़ीरा जो है मैं डालना भूल गई थी, तो आप लोग इस अभी और इस वक्त ऐड कर सकते हैं ज़ीरा, क्योंकि जो चीज़ अभी हम डाल दें तो वो साथ में पक जाएगी। अच्छा, साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया और दही जो है ना ऐड करना रह गया था, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं जल्दी जल्दी हरा धनिया तोड़ लेती हूँ, हरी मिर्चें काट लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ जो है घर के और भी काम निमटते जाएँ तो वो भी ज़रा सही रहता है। अच्छा, साथ में हो गया था यहाँ पे ज़ोहर का टाइम, तो मेरे अपने बच्चों को यही देती हूँ कि बच्चे नमाज नहीं जानी चाहिए, तो इकरा ने माशाल्लाह से यहाँ पर नमाज ज़ोहर अदा कर ली थी, क्योंकि दुनिया के साथ साथ दीन को भी हमें साथ साथ रखना होता है और काम। इकरा यहाँ पे पढ़ रही है जी सिफारा, और पंखे का शोर इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइटें गई हुई हैं और बस हम लोग बैठे हुए हैं। इकरा क्या पढ़ रही हो? सिफारा पढ़ रही हो? पढ़ रही हूँ।
और यहाँ पे माशाल्लाह से नमाज़ अदा करने के बाद इकरा जो है अपना सिपारा पढ़ने बैठ गई थी। तो मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि बेटा नमाज से ना कहो कि मुझे काम है, बल्कि काम से कहो कि मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो फ़िलहाल नमाज़ अदा करने के बाद जल्दी से फिर मैं किचन में आई और जल्दी से फिर मैंने कीमे को देखा, साथ साथ बर्तन भी वॉश होते जा रहे थे, किचन भी साफ़ होता जा रहा था। फिर मैंने इसमें ऐड कर दी एक प्याली दही, और एक प्याली दही ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छा सा मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हम इसमें इतनी देर में ऊपर से मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई, और वो आज खाने में क्या लाई थी, क्या लाई थी, टैन टैन टड़े मछली। तो ऊपर से आज आई थी मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ से खग्गा मछली, जो कि बहुत ही यम्मी लग रही थी और ये बहुत ही मज़े की भी बनी भी थी। तो आ जाए भाई, जिसको भी हमारे साथ यम्मी यम्मी मछली इंजॉय करनी है या अभी कीमा भी पक रहा है, तो दो दो ऑप्शन है आपके पास। तो मछली मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे और कीमा बच्चे खाएंगे, क्योंकि मछली में जो कांटे होते हैं तो बच्चे ज़रा इंजॉय नहीं करते, हालांकि मछली जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, यहाँ जो है ना, जब तक मैं वीडियो बना रही थी तो अनुषा जो है मेरी हेल्प करने के लिए किचन में आ गई थी, क्योंकि अनुषा को कुकिंग का बहुत। तो माशाल्लाह से यम्मी यम्मी सा मेरा कीमा तैयार है, और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल कि ये अब रेडी है, और उसको मैंने फुल्ली भून चुकी हूँ अच्छे से, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और अब मैं इसमें आवाज़ ख़राब हो रही है, गार्निशिंग कर देती हूँ, और जब इसको डिश आउट करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, गार्निशिंग मैं किन चीज़ों से कर रही हूँ, पहले मैं आप लोगों को लास्ट जो है ना इसका मेन इन्ग्रीडियंट वो मैं दिखा दूँ कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये लास्ट में ऐड कीजिएगा, ये है हमारा पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मैंने इसमें डाला है हाफ टी स्पून, ठीक है, या लास्ट में ऐड कीजिएगा, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। लीमू हो आप लोगों के पास तो लीमू भी इसमें एक निचोड़ सकती हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक, क्योंकि अदरक और हरा धनिया हमारे खानों की जान होती है, वो देख सकते हैं आप लोग। तो भाई आ जाए भाई, जिसको भी हमारे साथ गर्मा गर्म कीमा इंजॉय करना है। अच्छा, मेरा दिल चाहता है कि ऐसा कीमा हो, गर्मा गर्म और खमीरी रोटियाँ हो। अच्छा, हरा धनिया जो है ना हाथों पर चिपक जाता है, ये देखें। तो फिलहाल गर्मा गर्म कीमा हो और खमीरी रोटी हो, और मैं हूँ किसी सी साइड पॉइंट पे, तो भाई मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है चले। तो माशाल्लाह से मेरी कीमे की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो जो लाइक हर वीडियो पे देना, कमेंट्स ऑन हो तो कमेंट भी कर देना, और सब्सक्राइब एक ही दफ़ा होता है। तो अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं, इसको और कवर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा कीमा रेडी। सो गाइस, मम्मा आ चुकी हैं कमरे में, और अभी मम्मा चेंज कर रही हैं कवर, और ये मम्मा वीक में एक दफ़ा कर ही लेती हैं, क्योंकि अच्छे नहीं लगते भाई, गंदे गंदे। तो फिर अब ये काम हो रहा है। हाँ, और काम तो ख़त्म होते नहीं है कभी भी। तो अभी हम आपको मिलते हैं ये सब करने के बाद। तो भाई मेरे हस्बैंड जो है कि कीमा लेने आ गए हैं, जो कि उन्होंने बनवाया था, और ये लेकर आए हैं अभी आटा। आटा सस्ता हो गया? कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। फिर क्या सस्ता है? तो अब मैं ये अपने हस्बैंड को निकाल के दे रही हूँ, जो कि कीमा लेने आ चुके हैं। तो बताया भाई कितना निकालूं? बस दो आदमी है, कम कर लो। कम करूं? कम करो, बस दो आदमी है, बस सही है। फिर भी कहीं कम ना पड़ जाए तो एक आधा और भी होता है। तो मैं इसको जरा थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूं, ठीक है, और ऊपर भी भेज दूं। हाँ, तो हाँ, शाम को क्या खाएंगे आप? मछली खग्गा मछली। चले भाई, कीमा हमारा जा रहा है दुकान पे, भेज रही हूँ ऊपर, वो लेके जा रहे हैं अपनी शॉप पे। तो वो डाल रहे हैं थैली में, और ये मैं भेज डालूं। तो मैं तो कह रही हूँ आपको और डलवा लो, आ जाओ आ जाओ। अब ये खुद निकालेंगे अपने हाथों से, अपने हाथों से निकाल रहे हैं ये देख सकते हैं आप लोग, सही है। चलो, और शाम को हम खाएंगे मछली। तो अभी ये कीमा बचा है, बच्चे खा रहे हैं। एक रही ऊपर दिया, जल्दी से मम्मा का बेटा बन गया, जल्दी से मम्मा का बेटा बन गया, अल्लाह हाफिज़। तो एक रही जा रही हैं ऊपर देने, और यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाहर। बाय। बूंदे आ रही हैं? नहीं, हवा चल रही है, लेकिन हवा मौसम बहुत अच्छा हो गया। बाय, टाटा टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, की अमान अल्लाह। अच्छा जी, तो मेरे हस्बैंड चले गए, ऊपर भी चला गया, बच्चों ने भी ले लिया। अब मैं निकाल दूँ अपने पापा के लिए, जो कि पाक पतन लेके जाएंगे, तो पापा को मैं डिस्पोजेबल डिश में दूंगी। तो एक मिनट बेटा, बच्चे आ गए हैं कि मम्मा मोबाइल दे दो।
तो बस बच्चों को जल्दी से दे, पहले बेटा नानू का कीमा निकाल दूँ फिर मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो मैं ना अपने पापा का कीमा यानी कि पापा के लिए कीमा निकाल देती हूँ, हरी मिर्ची कीमा, और रोटी तो मैं उनको ताज़ी बना के दूँगी, पराठे। तो वैसे भी मेरा जो है ना बड़ा फेमस हुआ हुआ है कि बस लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही मैं मेरा काम करना, अपने पापा का ख्याल रखना। तो फिलहाल लोगों को मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक आप लोगों को नेक हिदायत दे और बस आप लोगों को आपकी खुद की ज़िंदगियों में सुकून अता करे, आमीन सुम्मा आमीन, और नेक लोगों की सोबतें अता करे। क्योंकि हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़ औक़ात रंग सोबतों के भी चढ़े होते हैं। तो बाज़ औक़ात रंग सोबतों के भी चढ़े होते हैं। तो फिलहाल ये मैंने अपने पापा के लिए कीमा निकाल दिया है, पापा आपका कीमा मैंने रेडी कर दिया है, और ये हमारे शाम के लिए है थोड़ा सा कीमा, बाकी मछली है। तो बस अल्लाह ताला बस खुशी होती है कि सबको खिला दें, सबके पास चला जाए, सब खुशी खुशी खा लें, बस ये मेरी कोशिश होती है। और मेरा क्या है, मैं कुछ और भी बना सकती हूँ, अभी हुआ तो चापे बॉयल कर लूँगी बकरे की। तो बस मेरी जो इकरा जो है ना इकरा, वो कह रही है कि मोबाइल दे दो। क्या चाहिए, किस खुशी में? ना दो ना, चलो भाई इनको मोबाइल दे दो। तो माशाल्लाह से सारा काम ख़त्म करने के बाद तो मैं भी बैठ गई थी फाइनली खाना खाने, और खाना खाने में अपना जो लेके बैठी थी, तो मेरे पास मैं खाने में ज़रूर प्याज को इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझसे बगैर सैलेड के खाया नहीं जाता, और सैलेड में भले कुछ ना हो तब भी अनियन ज़रूर कटी हुई हो। तो मैं यहाँ पे खाना इंजॉय कर रही हूँ, और खाने में आपको बता रही हूँ कि बहुत यम्मी बनी है, बहुत मज़े का बना है कीमा। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आ जाए भाई, जिसको भी मेरे साथ कीमा इंजॉय करना है, बीफ का कीमा है और बड़े मज़े से मैं इंजॉय कर रही हूँ, यम्मी यम्मी सा। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके खानों में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ हो गया था मेरी शाम की चाय का टाइम, और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, छोटा मोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चाय के साथ ले रही थी मैं चीटोस बाइट्स, और ये मेरी फेवरेट हैं आजकल, मैं ये कुछ ज़्यादा ही शौक से खा रही हूँ। तो आ जाए भाई, जिसको भी मेरे साथ चाय और चीटोस बाइट्स इन्जॉय करनी है। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो भाई फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी बखैर रही, किसी अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, किसी अच्छे से नए टॉपिक के साथ। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत, अल्लाह हाफिज़।